आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, हु इज नोन एज फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स और फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। सो इनमें से किनको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स बोलते हैं या फिर हम फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज आर्किबल गैरेट, ठीक है? तो जो सर आर्किबाल्ड एडवर्ड गैरेट थे, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स या फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, वो बेसिकली एक इंग्लिश फिजिशियन थे, ठीक है? ही वॉज इंग्लिश फिजिशियन, ठीक है, जिन्होंने इस फील्ड में जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म था, जो भी इनबॉर्न एरर्स आ रहे थे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, उन्होंने उस फील्ड पे काफ़ी ज़्यादा स्टडी किया था, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था, ठीक है? अगर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम देखें तो इनका बर्थ हुआ था November 25, 1857 में इन लंदन, ओके? एंड अगर हम इनके डेथ की बात करें तो ही डाइड ऑन March 28, 1936 इन कैम्ब्रिज, ओके? सो जो सर आर्किबाल्ड एडवर्ड गैरेट हैं, वो उनको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक्स बोलते थे एज वेल एज फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। अगर हम उनके फील्ड की बात करें तो उन्होंने, उनकी जो स्टडी थी दैट वाज अबाउट इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो इनबॉर्न एरर्स आते हैं मेटाबॉलिज्म के, उसके उससे रिलेटेड उन्होंने अपना स्टडी किया था। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।